मैं अबला नारी हूँ, बेचारी नहीं हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। सारे संस्कार अपनाती हूँ, परिवार की शान बढ़ाती हूँ, मैं आधुनिक युग की नारी हूँ। कम समझ के मुझको मत आंकना, मैं सारे जग पे भारी हूँ। लेडीज़ अपने आप में कितना स्टैंड कर रही हैं, अपनी लाइफ बेटर कर रही हैं और अपने घर वालों की भी लाइफ बेटर कर रही हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। विमेंस डे की थीम है कि आज की नारी सब पे भारी। कई ऐसे हैं जो बेचारे ना उनके पास घर है, ना बच्चे हैं, ना हस्बैंड है, फिर भी वो अपनी दुनिया अकेले चलाती हैं, अकेले आगे बढ़ती हैं और खुद भी हिम्मत लेती हैं, दूसरों को भी हिम्मत देती हैं, तो हमें उनसे भी सीखना चाहिए। वो अपने आप को भी बढ़ा सकती है और अपने साथ वालों को भी, किसी को भी इंस्पायर कर सकती है बढ़ने के लिए। क्यों इस समाज में, इस सृष्टि में हम नारियों की कदर क्यों नहीं होती, क्यों हमेशा पुरुष को ही आगे बढ़ावा दिया जाता है। रोहतक के ही एक लोकल पार्क में मौजूद है और आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर महिलाएं काफ़ी संख्या में मौजूद है। कैमरामैन को कहूँगी एक बार दिखा दे, और इंटरनेशनल वुमेंस डे पर महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होने वाला है ये महिलाओं से ही जानने निकले हैं और महिलाओं से ही जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्हीं से ही जानेंगे। मैम, महिला दिवस किस लिए खास होता है? महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो उसमें हम ये दिखाते हैं कि लेडीज़ ने कितनी प्रोग्रेस करी है, लेडीज़ अपने आप में कितना स्टैंड कर रही हैं, अपनी लाइफ बेटर कर रही हैं और अपने घर वालों की भी लाइफ बेटर कर रही हैं, अपने आसपास की सोसाइटी की भी लाइफ बहुत इम्प्रूव कर रही हैं। तो हर महिला को एक दूसरी महिला को भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो उसको आगे बढ़ा सके। वो अपने आप को भी बढ़ा सकती है और अपने साथ वालों को भी, किसी को भी इंस्पायर कर सकती है बढ़ने के लिए। तो आज का टाइम बहुत चेंज हो गया है कि लाइफ सिर्फ औरत के घर तक नहीं सीमित है, वो बाहर निकल करके भी कर रही है, बच्चों को भी हैंडल कर रही है, समाज को भी सुधार रही है, जॉब में भी है, स्कूल्स में भी जॉब कर रही है, मतलब हर फ्रंट पे है आजकल की लेडीज़। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब? मैं अभी आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन पंक्तियों को नकारती आज की नारी जो सृष्टि की रचना की महत्वपूर्ण कड़ी है और परिवार का एक मजबूत आधार है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, पर फिर भी उसे इतना कमजोर क्यों मनाया जाता है? क्यों इस समाज में, इस सृष्टि में हम नारियों की कदर क्यों नहीं होती, क्यों हमेशा पुरुष को ही आगे बढ़ावा दिया जाता है? इन्हीं पंक्तियों के चलते मैं इस पूरे संसार को यही संदेश देना चाहूँगी कि नारी सब पर भारी। हैप्पी वुमेंस डे। हम एक नारी भी हम पूरे जगत का कल्याण कर सकती हैं अगर हम चाहें तो। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। मैं वापस आपसे वो सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस लिए मनाया जाता है? ताकि हम नारियों के सम्मान में मनाया जाता है बेसिकली, कि हम लेडीज़ को एक सम्मान मिलता है, मतलब हमें एक अपनी पहचान मिलती है ताकि हम अपने आप को प्रूव कर सकें। यस, वी आर समथिंग। Yes, that's why we celebrate. आपको ज़रूरत है ये बताने की कि we are something. Because see, we in this era, some ladies are still so much backward. They don't know even their rights. So we wanted to come to know about their rights. कि what they have, what should, मतलब they can take it, but they don't know about them. We want to make them aware about their rights. Each and everything. Thank you. चलिए, और महिलाओं से भी जानते हैं। मैम, हिस्ट्री जानती हैं आप इंटरनेशनल वुमेंस डे? या, वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेंस डे ओनली टू एडमायर द अचीवमेंट्स ग्लोबली बाय द वुमेंस, कि जो भी औरतों ने काम किया है, अच्छे अच्छे जो काम किए हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स वर्ल्ड वाइड, सो उसको सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशली ये दिन मनाया जाता है और 8 मार्च को इसे मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है? वुमेंस डे की थीम है कि आज की नारी सब पे भारी। इंटरनेशनली क्या है? इंटरनेशनली भैया, अब तुम लाइव ले रहे हो तो अभी जो भी है, यही थीम है कि आज की नारी को नीचे नहीं समझना चाहिए, चाहे वो माँ हो चाहे वो बहन हो। पहले के ज़माने में नारी की पूजा की जाती थी देवी के रूप में, तो आज भी घर घर में उन्हें पूजा जाना चाहिए। नारी ही है जो घर को,
संसार को और सही मायने में देश को स्वर्ग बनाती है, तो हमें हर नारी का सम्मान करना चाहिए। आज हमारे क्लब के सदस्यों ने भी यही सोचकर यहाँ पर कुछ ऐसा करने का सोचा है ताकि जो नारियाँ हैं, कुछ जो मजबूर लोग हैं, जो ज़रूरतमंद औरतें हैं जिन्होंने अपने घर को बिना पति के या कुछ मजबूरियों का या कुछ मुश्किलों का सामना करते हुए लेकिन फिर भी अपने घर को चलाया है मजबूती के साथ, तो आज हम उन लोगों को भी सम्मानित करेंगे। यहाँ पर हमने उन्हें बुलाया है, तो हर रोज़ ही वुमेंस डे मनाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो हमारे सदस्यों का, हमारे क्लब के माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वुमेंस डे हमें रोज़ मनाना चाहिए और नारी का सम्मान हमें रोज़ करना चाहिए। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार महिला? हम सब गेट टुगेदर कर रहे हैं, यही खास है, नहीं तो सब अपना अपना घर पे ऐसे ही निकल जाता है दिन, कोई ऐसे स्पेशली सेलिब्रेट तो करता नहीं है। हमें कम से कम इनके सहारे, इनकी वजह से हम आज इकट्ठे हो रहे हैं और आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही स्पेशल है हमारे लिए। और भी लोगों से जानते हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? मैं ये कहना चाहूँगी, ये स्टार्ट किया गया था जस्ट बिकॉज कि ओके इक्वलिटी के लिए, कि मैन और वुमेन में इक्वलिटी होनी चाहिए। इट इज स्टार्टेड अराउंड 1909 इन द ईयर ऑफ दिस। और हमारी तरफ से तो मैं ये सिर्फ यही कहूँगी कि जैसे एक हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र भरने के लिए, बट एक महिला, एक स्त्री अकेली ही काफ़ी है पूरे समाज को, राष्ट्र को एकजुट होकर के नया समाज बनाने के लिए। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी वुमेंस डे। हमारे यहाँ जितने भी मेड्स हैं, हम हैं, सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने घर को सजाएं। बट कई ऐसे हैं जो बेचारे ना उनके पास घर है, ना बच्चे हैं, ना हस्बैंड है, फिर भी वो अपनी दुनिया अकेले चलाती हैं, अकेले आगे बढ़ती हैं और खुद भी हिम्मत लेती हैं, दूसरों को भी हिम्मत देती हैं, तो हमें उनसे भी सीखना चाहिए। तो मेरी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन एंड वी ऑल आर हियर टू सेलिब्रेट दिस वुमेंस डे। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय? मैं पहले आपके चैनल के माध्यम के थ्रू सबको ही हमारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लेडीज़ को आई विश ऑल ऑफ आर ब्यूटीफुल एंड लवली लेडीज़ विश देम अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि वुमेंस डे सिर्फ 8 मार्च को नहीं होता, वुमेंस डे हर दिन वुमेंस डे है हमारे लिए। और जब हमने ये प्लान किया हमारे सब लेडीज़ ने कि आज हम वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो सबने पूछा कि आज हम क्या करेंगे, तो मैंने बोला कि सबसे पहले हम एक दूसरे की पीठ थपथपाएंगे और उन्हें प्राउड फील कराएंगे कि वी आर वुमेन, कि हम वुमेन हैं, ठीक है। और वुमेंस डे आज हम सेलिब्रेट करने के लिए सब हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, आज हमारी आइसक्रीम पार्टी भी हो रही है यहाँ पर, और कुछ हमने नीडी लेडीज़ के लिए यहाँ पर कुछ चैरिटी का प्रोग्राम भी रखा है। और वुमेंस के लिए मैं सिर्फ एक, मेरे मन में ये आज की नारी के लिए ये आ रहा है कि मैं अबला नारी हूँ, बेचारी नहीं हूँ, मैं अबला नारी हूँ, बेचारी नहीं हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ, सारे संस्कार अपनाती हूँ, परिवार की शान बढ़ाती हूँ, मैं आधुनिक युग की नारी हूँ, कम समझ के मुझको मत आंकना, मैं सारे जग पे भारी हूँ। तो मैं इसी शब्दों के साथ यहाँ पर विराम करती हूँ और आप सब लेडीज़ को आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ही वुमेंस डे विश करती हूँ, अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। थैंक यू। आज मान रहे हैं आज की नारी सब पर भारी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल भारी है, बिल्कुल भारी है। बुधान नहीं भाई, भूल भाल गए बेटे, हम तो भूल भाल गए, अभी तो उम्र बड़ी है आपकी। अच्छा, महिला दिवस मनाया जा रहा है खास तौर पर, डेट नहीं पता? नहीं है भाई, झूठ बोला आपका, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, पता लगा भी नहीं, झूठ नहीं चलेगा ना, हमें नहीं पता, नहीं पता हमें, वैसे मेरे को ना याद नहीं रहता, मैं रोज डेली न्यूज पेपर पढ़ती हूँ पर मुझे याद नहीं रहता। बादाम खाती हूँ। हाँ, वैसे महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो वैसे क्या कुछ खास रहने वाला है महिलाओं के लिए? हर साल बनाते हैं ये दिन? नहीं, मेरे को नहीं पता। बहुतों से हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर किस लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, क्या कुछ खास रहता है इस दिन पर, आप क्या कुछ सोच रहे हैं जरूर कमेंट कर बताइएगा। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।